Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Savasahunam. Hitte Jininda Chande, Ayariya Vachaya Sahugane, Vandiya Sammatansana, Charitaladdim paruvemo. आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है. उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार ढूंढारी भाषा में भाषा टीका लिखी है और अभी आपके हाथ में उसी का हिंदी अनुवाद है. उसमें प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के संबंध में अपनी ये चर्चा चल रही है. ये प्रथम अधिकार में उसमें से जो प्रथम ऑप्शन सम्यक्त होता है उसके पूर्व में पांच लब्धि होती है. इन्हें पांच लब्धि पूर्वक ही प्रथम ऑप्शन सम्यक्त होता है. भले ये प्रथम बार हो या द्वितीय बार हो, कभी भी हो, जब जब वो प्रथम ऑप्शन कह रहे हैं तो उसके पहले पांच लब्धि होती ही है. एक बार प्रथम ऑप्शन होकर छूट जाए जीव मिथ्यात्व में आए कितने ही काल तक, उसको तो वेदक सम्यक्त की योग्यता रहती है. वहाँ ये पांच लब्धि की कंडीशन नहीं है. हाँ, कोई आया है अभी मिथ्यात्व में आया, फिर पुरुषार्थ करेगा, फिर सम्यक्त प्राप्त करेगा, उसके पास तो देशना तो है ही, बस फिर तत्व विचार में लग गया, कुछ अतत्व श्रद्धान हो गया था, फिर दोबारा वो प्राप्त करता है. अब उसमें कितने करण होते हैं, क्या करण होते हैं, वो तो विषय अलग है, उसकी चर्चा बाद में. पहले प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व में क्या क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे. तो कहाँ तक वेदक हो सकता है, क्या है, ये सभी ऑप्शन सम्यक्त्व की हम जब पूरी जानकारी लेंगे विस्तार से, उसके पश्चात उसकी चर्चा भी करेंगे. अभी तो हमने प्रायोगिक लब्धि तक के सभी प्रोसेसेस देखे हैं, क्या क्या प्रायोगिक लब्धि में बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है और वो हमने विस्तार से देखी भी. अभी एक करण लब्धि में जो प्रवेश करता है, यानी प्रायोगिक लब्धि तो भव्य अभव्यों की भी हो सकती है, परंतु कोई भव्य जीव जिसको स्वसन्मुख परिणाम कहेंगे हम, आत्मशुद्धात्माभिमुख परिणाम कहेंगे, तो वहाँ उसके करण लब्धि की शुरुआत होती है. ये करण यानी परिणाम, कौन से परिणाम, अभी ऐसे परिणाम है कि अभी यहाँ से लेकर वो जीव सम्यक तो प्राप्त करेगा ही एक अंतर्मूर्त में. इन परिणामों के नाम है अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्तिकरण. किसी एक जीव की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो उसके परिणामों में प्रति समय अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना विशुद्धि बढ़ती है, एक जीव की अपेक्षा. परंतु ये जो तीन नाम पड़े हैं वो अलग अलग जीव, जो अधकरण मानकर जिसके वो अंतर्मूर्त में जो उसके परिणामों की कंपेरिजन करते हैं, अनंत जीवों के परिणामों की कंपेरिजन करने पर उसमें जो विशेषता पाई जाती है उसके आधार से ये तीन करणों के अलग अलग नाम हैं. एक है अधः प्रवृत्त करण, दूसरा है अपूर्व करण और तीसरा है अनिवृत्तिकरण. देखो, एक साथ है ना, कोई जीव अपूर्व अधकरण शुरुआत करता है, उसका एक अंतर्मूर्त काल है, अपूर्व करण का भी काल एक अंतर्मूर्त है और अनिवृत्तिकरण काल का उसका अपना अंतर्मूर्त है. परंतु अधः प्रवृत्त करण का अंतर्मूर्त बड़ा है, उसके संख्यात विभाग प्रमाण अपूर्व करण का अंतर्मूर्त है और उससे भी संख्यात विभाग प्रमाण छोटा इतना वो भी अंतर्मूर्त अनिवृत्तिकरण का काल है. तीनों का अपना अंतर्मूर्त है, परंतु एक से दूसरा छोटा, दूसरे से तीसरा छोटा है और ये कंटिन्यूस में अपूर्व अधकरण के बाद अपूर्वकरण और अपूर्वकरण के इमीडिएट बाद अनिवृत्तिकरण होगा. तो इसमें ये जो नाम पड़े हैं वो क्यों पड़े हैं ऐसे नाम, तो भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा से उनका परिणामों का आपस में
तारतम्यता नहीं कहेंगे उसका, रिलेशन कंपैरिजन हम कहेंगे, तुलनात्मक कहेंगे, तो ये नाम पड़े। यानी ये जो अभी हम प्रथमोपशम की केवल बात करेंगे, तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व अनादि से कितने ही जीवों ने किया था, क्योंकि अनादि जब कहेंगे तो अनंत जीवों ने आज तक किया है, वर्तमान में कोई जीव कर रहे हैं और भविष्य के आने वाले अनंत काल तक कभी ना कभी कोई ना कोई जीव करेगा। तो ये परिणाम शुरू करके जिसके पहला समय हुआ है, उस एक समय के परिणाम कितने अलग अलग हो सकते हैं, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है। जो भविष्य में करेंगे वो भी उनके ज्ञान का विषय है, अभी वर्तमान में जो हो रहा है उनके भी ज्ञान का विषय, और जो कर चुके हैं उसके भी उनके ज्ञान का विषय है। तो ऐसे कितने जीव है जो प्रथमोपशम प्राप्त करने वाले जीवों ने जो शुरू किया था करण लब्धि, ऐसे जीव कितने हैं, तो अनंत है। और उनके परिणाम अलग अलग कितने हो सकते, तो असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं। आप कहेंगे अनंत जीवों के अनंत परिणाम होने चाहिए थे। अभी जो SSC 12वीं वगैरह की परीक्षा हुई, लाखों विद्यार्थी उसमें बैठते हैं, और उनमें परीक्षा फल यानी मार्क्स कितने मिले होंगे, उसके कितने कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती, कितने होगी, हाँ, अरे लोगों को सोचने दो, हाँ हाँ, तो कितने हो सकते, किसी को एक मिला, किसी को दो मिले, हाँ तो कितने हो सकते हैं, और किसी को जीरो मिला वो, तो 101 पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, हाँ जीरो से 100 तक 101 पॉसिबिलिटीज हुई। जीव कितने बैठे थे, विद्यार्थी कितने बैठे, तो लाखों, और मार्क्स कितने अलग अलग हो सकते हैं, 101 हो गए कि नहीं, अलग अलग, किसी को जीरो, किसी को एक, किसी को दो, किसी को, ऐसा हम आधे आधे मार्क्स नहीं गिनेंगे। ऐसे ही यहाँ जीव कितने हैं, तो अनंत, और उनके परिणाम कितने होते हैं, जो अधकरण में अभी वर्तमान यानी एक समय में आ चुके हैं, असंख्यात लोक। असंख्यात लोक समझते नहीं, एक लोक का अर्थ क्या है, असंख्यात प्रदेश, लोकाकाश के जितने असंख्यात, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात वेरिएशन से, आवली में भी असंख्यात समय देखे हमने, आवली तो कितना छोटा है, और उसमें पल्ले में कितने हो गए असंख्यात, सागर में कितने असंख्यात हो गए, तो उससे भी ये लोक कितना बड़ा प्रमाण है। तो लोक में कितने, इन्हें पूरे लोक में कितने प्रदेश हो गए, तो उसको कहेंगे हम असंख्यात। असंख्यात नापने का एक माप है, उसको हम एक लोक कहेंगे। एक लोकाकाश में जितने प्रदेश है, उस संख्या को, संख्या लेना है यहाँ पर, प्रदेशों को नहीं लेना है, उन प्रदेशों की संख्या को हम यहाँ एक लोक कहेंगे। ऐसे एक लोक, दो लोक, तीन लोक, चार लोक, करोड़ लोक, कितने लोक लेना है, असंख्यात लोक। इतनी संख्या में ये अलग अलग जीवों के परिणाम की विशुद्धि अलग अलग हो सकती है, इतने वहाँ वेरिएशंस है। अब इनकी हम कंपैरिजन करेंगे, तो किसी को ये परिणाम शुरू करके एक समय हुआ है, दूसरे समय में हरेक की अपनी अपनी विशुद्धि अनंत गुना बढ़ेगी, तीसरे समय में उससे भी अनंत गुना बढ़ेगी, परंतु ऐसे करते करते कोई जीव चौथे समय तक पहुँचा है, और कोई जीव अभी पहले ही समय में है, तो जो चौथे समय में उसने अनंत गुणा करते करते जो विशुद्धि तक पहुंचा है, किसी जीव को ऐसी विशुद्धि पहले ही समय में होगी, किसी जीव को ऐसी विशुद्धि दूसरे समय में हो सकती है, किसी जीव को ऐसी तीसरे समय में, यानी पहले से चौथे समय तक इन परिणामों की समानता हो सकती, विशुद्धि की समानता हो सकती है। इसको कहेंगे अधः प्रवृत्त, यानी इसको अनुकृष्टि नाम है, उसके बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं हमें अभी, परंतु ऊपर और नीचे के समयों में परिणामों की समानता हो सकती है किसी किसी जीव के, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुकृष्टि। और ये अनुकृष्टि, ये अध प्रवृत्तकरण जो है यहाँ की विशेषता है, यानी किसी जीव ने पहले समय में कोई परिणाम किए, हरेक के अपने अपने परिणाम जो वेरिएबल है, अनंत जीवों के कितने वेरिएशंस हो सकते, असंख्यात लोग, और हरेक के अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ने पर भी ऐसा हो सकता है कि चौथे समय का जो कोई परिणाम है और किसी का पहले समय का परिणाम है, इनकी विशुद्धि समान हो सकती है। तो इसके बहुत विस्तार से, इसके जिसको कहेंगे ना कि संदृष्टि भी बनाइए, काल्पनिक संख्या लेकर भी समझा है, इसके बहुत गणित के
रूप में भी इसको विस्तार से समझाए। हमें तो इतना ही समझना है कि अधकरण नाम क्यों पड़ा है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन, देखो 56 प्रश्न निकालना। यहाँ पहले 34 गाथा में जो बताया है उसकी टीका पढ़ेंगे। तीनों ही करण प्रत्येक अंतर्मूर्त काल मात्र स्थिति युक्त है, यानी हरेक के अपना अपना काल कितना है तो एक अंतर्मूर्त का है। तथापि ऊपर से संख्यात गुणा क्रम युक्त है। ऊपर से का अर्थ क्या है? अनिवृत्तिकरण से अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणा और अपूर्वकरण से अधकरण का काल संख्यात गुणा। हमने नीचे से बताया था ये बड़ा है और उसके संख्यात्वे भाग है और उसके संख्यात्वे भाग है, बात एक ही है। अनिवृत्तिकरण का काल अल्प है, उससे अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणा है और उसे अधप्रवृत्तकरण का काल संख्यात गुणा है। अब यही उसको नाम क्यों दिया ये बात यहाँ बताए 35 नंबर की गाथा में। चूँकि यहाँ नीचे के समयवर्ती, नीचे के ने जिसको अधकरण शुरू करके एक समय हुआ है, आप कहेंगे एट अ टाइम एक समय में कहाँ सब शुरू कर रहे हैं? नहीं, किसी ने तो अनंत काल पहले किया था परंतु उसका जो पहला समय था और जो आज कर रहा है उसका पहला समय और जो भविष्य में करेगा उसका उस करने का पहला समय, इनके परिणामों की तुलना चल रही है। इस तरह से इनकी कंपैरिजन करना, क्योंकि आप जब मैच देखते हैं तो कोई वहाँ स्कोर चल रहा है तो अभी तीसरे ओवर में कितना स्कोर हुआ तो वो कमेंटेटर कंपेयर करता है पूर्व का, इतने साल में ये मैच हुई थी उसमें वो उसने इतना स्कोर किया था। भविष्य की कोई बात वो करने की कोई वहाँ फैसिलिटी नहीं है, हाँ, क्योंकि जो हो चुका है उसको तो जान रहे हैं परंतु केवल यानी तो भविष्य की भी बात जानेंगे। तीनों काल के अनंत जीवों के सभी द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानते हैं तो उनके ज्ञान का विषय है, तो उसमें क्या क्या परिणाम हो सकते उसकी यहाँ चर्चा है। तो नीचे के समयवर्ती यानी पहले दूसरे आदि समय के किसी जीव के परिणाम, ऊपर के समयवर्ती यानी मान लेते 8वें 9वें 10वें गुण समय के परिणाम, इन परिणामों के सदृश होते हैं, इसलिए इसका नाम अधः प्रवृत्त करण है। भावार्थ, करणों के नाम नाना जीवों की अपेक्षा है, नाना ने अलग अलग भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा ये नाम यहाँ पड़े हैं। अधकरण मानकर यानी अधकरण परिणाम शुरू होकर किसी जीव के थोड़ा काल हुआ है, थोड़े समय बीत गए हैं, किसी जीव के बहुत काल हुआ है, बहुत यानी अंतर्मूर्त से तो ज़्यादा नहीं गिन सकते, बहुत में इसी में थोड़ा बहुत समझ लेना, उनके परिणाम इस करण में संख्या और विशुद्धता से समान भी हो सकते हैं ऐसा जानना। अभी तो हम यहाँ विशुद्धता की बात करेंगे, संख्या को समझना है तो बहुत विस्तार से समझना पड़ेगा जो पंचलब्धि पुस्तक में उसकी भिन्न अलग अलग संदृष्टि बनाकर भी समझाया है। अब उसकी सीरीज़ भी है और इसका भी हमारा जो स्वाध्याय घर में चलता है उसमें तो हमने विस्तार से लिया है। अभी क्या है, जब गणित का थोड़ा प्रकरण आता है और शाम का समय है तो बहुत वो क्लिष्ट विषय हो जाता है, क्योंकि सबको तो उसमें समान रुचि नहीं होती है, फिर भी उसमें से जो स्थूल मोटी महत्व की बातें हैं उसको हम देख कर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आप अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि अधकरण के अंतिम समय, आपका प्रश्न है अधकरण के अंतिम समय में क्या सबके एक समान होंगे? नहीं होंगे, वहाँ भी असंख्यात लोक है क्योंकि उससे वो अपूर्वकरण में एंटर होने वाला है, अपूर्वकरण में वहाँ भी समानता नहीं है, अनिवृत्तिकरण में जाकर समानता होगी। हाँ, इसीलिए अभी हम अधप्रवृत्तकरण का क्या स्वरूप है उसको यहाँ देख रहे हैं। तुलना करने से मतलब है परिणाम किसी के कम विशुद्ध है, किसी के बहुत ज़्यादा विशुद्ध है, अनंत गुणा विशुद्ध है, फिर भी उनके अधकरण हो रहे हैं। नहीं, एवरेज नहीं, हर एक जीव का अपना अपना अलग अलग परिणाम है, उसमें इतने वेरिएशंस है और इतने वेरिएशंस के साथ भी वो अधकरण चलता है। ये वेरिएशंस करते करते जब अनिवृत्तिकरण तक पहुँच जाएगा जीव तब जाके सबके प्रमाण समान परिणाम हो जाएंगे। विशुद्धि की समानता लेना, या वो तो बात आएगी अभी जब हम अनुयुक्तिकरण तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तो इतनी ही है कि विशुद्धता में तो असमानता है, फिर भी हर एक की अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ रही है।
हर एक में ये कार्य हो रहा है. कोई कम विशुद्धि से किसी ने स्टार्ट किया, किसी ने अधिक विशुद्धि से स्टार्ट किया, अनिवृत्तिकरण में जाकर सबकी विशुद्धि समान हो जाएगी. ये समान भी हो सकता है, असमान भी हो सकता है. और किसी किसी का समानता है, सबकी तो एक दूसरे से समानता हो ही नहीं सकती. हाँ, तो होगी तो हो, समान हो जाएगी, एक ही समय में हो जाएगी. समझ में आती है बात? ये अधकरण नाम क्यों पड़ा है इसकी ये चर्चा है. परंतु अधकरण में क्या क्या कार्य होता है उसकी चर्चा भी हम करेंगे. अभी देखो, अभी पहले यहाँ से जान लेते हैं अपूर्वकरण किसको कहा उसको देखेंगे. ये नीचे 36 नंबर की गाथा, प्रति समय जीवों के भाव भिन्न ही होते हैं वह अपूर्वकरण. यानी एक समय की जो रेंज है वो विशिष्ट रेंज होगी. एक समय में भिन्नता भी हो सकती है और समानता भी हो सकती है. अभी अपूर्वकरण की बात हो रही है. अधकरण में क्या है, कोई पहले समय वाला, कोई चौथे वाला, उसकी समानता हो सकती थी, सदृशता हो सकती थी. अभी अपूर्वकरण में आने पर क्या होगा, एक समय के जो परिणाम है उसमें समानता हो सकती है, असमानता भी हो सकती है, क्योंकि उसकी अपनी रेंज जघन्य से उत्कृष्ट तक की है. परंतु कोई भी पहले समय का परिणाम दूसरे समय के परिणाम के साथ मैच नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता. पहले समय की अपनी रेंज अलग है और दूसरे समय की, यानी पहले समय के उत्कृष्ट परिणाम से भी दूसरे समय का जघन्य परिणाम किसी जीव के अनंत गुणा विशुद्ध है. यानी प्रति समय की अपनी अपनी रेंज अलग अलग है. यानी ऊपर नीचे के समयों में कोई समानता सदृशता नहीं है, उसको कहेंगे अपूर्वकरण. अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होंगे. समानता भिन्न भिन्न जीवों में समानता नहीं, एक जीव की तो होती ही नहीं है, क्योंकि एक जीव में तो प्रति समय अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है. एक जीव में तो समानता का सवाल ही नहीं. ये समानता या असमानता की चर्चा भिन्न भिन्न जीवों के आपस में परिणामों के तुलना करने पर क्या होती है उसकी चर्चा है. अधप्रवृत्त में नीचे ऊपर में समानता हो भी सकती है, नहीं हो सकती वो तो जाहिर ही है. अपूर्वकरण में एक ही समय में समानता असमानता हो सकती है, परंतु किसी भी नीचे के समय के परिणाम ऊपर के समय के साथ समानता हो ही नहीं सकते. ये है अपूर्वकरण. सभी परिणाम हर समय यानी प्रति समय अनंत गुणा बढ़ते बढ़ते जब अपूर्वकरण के अंतिम समय में पहुंच गए और उसके बाद जब अनिवृत्तिकरण में एंटर हो गए तब सबकी समानता हो गई वहां जाकर. अब अनिवृत्तिकरण के अंत मुहूर्त के जितने समय हैं, मान लेते हम वहां कुछ 25 समय कुछ 8 समय मान लो, तो हर एक समय का एक ही परिणाम यानी वहाँ जो विशुद्धि के अविभाग प्रतिच्छेद है उनकी समानता सेम, एक एक अंश का भी डिफरेंस नहीं होगा अनिवृत्तिकरण में. हाँ, कोई क्रोध वाला होगा, यानी उदय किसी का क्रोध का है, किसी का मान का है, किसी का माया का है, कोई नरक गति वाला है, कोई देव गति वाला है, चारों गति भी, ये तो डिफरेंसेस हो गए. किसी का कोई मनोयोग है, किसी का वचन योग है, ये डिफरेंसेस हो गए. शरीर की अवगाहना किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, वेद का उदय किसी का कोई है, ये भले डिफरेंस है, परंतु जो विशुद्धि की समानता सबकी एक समान है. समझ में? ये विशुद्धि शब्द तो जगह बहुत जगह आएगा. विशुद्धि लब्धि में भी विशुद्धि कह रहे, वहाँ तो सामान्य शुभराग है, वहाँ पर धर्मानुराग है. और यहाँ जो विशुद्धि की अनंत गुणा बढ़ोतरी बता रहे हैं, अभी ये तत्वज्ञान की निर्मलता यहाँ ले लेना है, स्पष्टता है. तत्व के संबंध बिल्कुल निशंक प्रतीति है और उस प्रतीतिपूर्वक आत्मसन्मुखता के परिणाम चल रहे. अंतर्मुहूर्त तक आत्मा को जानते जानते ये सब कार्य हो रहा है. एक समय में तो क्षोभम ज्ञानी पकड़ता नहीं है, तो उसने आत्मसन्मुख परिणाम हो गए हैं उसके, और उस काल में ये बात चल रही है. अब अभी द्रव्यान योग तो स्थूल कथन करता है, अभी उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले थोड़ा जो गहरा है वो विषय पढ़ेंगे. हाँ, फिर थोड़ा आराम से अंतिम प्रवचन में इसकी भी चर्चा चलेगी. अभी यहाँ देख रहे हैं हम 36 की टीका में, प्रति समय जीवों के भाव भिन्न ही होते हैं वह अपूर्वकरण है. भावार्थ, किसी जीव को अपूर्वकरण मानकर अल्पकाल हुआ यानी थोड़े समय हुए, किसी को बहुत काल हुआ यानी अधिक समय हुए, क्योंकि उसका काल ही अंतर्मूर्त है. बहुत समय 2-4 महीने हुए ऐसा नहीं समझना. वहाँ उनके परिणाम सर्वथा सदृश नहीं होते, उसका अर्थ है सदृश होते ही नहीं.
नीचे के समय वालों के परिणाम से ऊपर के समय वालों के परिणाम अधिक संख्या और अधिक विशुद्धता युक्त है, यानी उनकी विशुद्धता अधिक ही होगी। तथा यहाँ जिनके करण मानकर यानी करण शुरू करके समान काल हुआ है, उनके परिणाम परस्पर सदृश भी होते हैं अथवा असदृश भी होते हैं, क्योंकि एक समय वाली जो रेंज है जघन्य से उत्कृष्ट तक, यहाँ भी असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशंस चल रहे हैं, तो उनमें आपस में समानता होगी। जैसे हमने देखा है लाखों विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं तो 70 मार्क वाले कितने होंगे, कितने ही होंगे, है ना। 90% वाले या 90 मार्क वाले कितने होंगे, वहाँ भी कितने ही हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ये सदृशता भी होगी और असमानता भी उसमें हो सकती है। आगे लिखते, जहाँ प्रति समय एक ही परिणाम होता है वह अनिवृत्तिकरण है। एक ही परिणाम यानी विशुद्धि, विशुद्धता, शुद्धि जो समानता है उसको यहाँ तो जिस हाँ निर्णय पूर्वक आत्मसन्मुख, यो अंतर्मूर्त भले कह रहे हैं पर इतने छोटे हैं, ये तो हमारे पकड़ में भी नहीं आवे ऐसे है। हाँ अभी तो विकल्पात्मक चल रहे थे वो छूट गए, और निर्विकल्प ने जिसको हम कहेंगे, निर्विकल्प भी दो अर्थ होते हैं। राग रहित को भी निर्विकल्प कहेंगे और भेद रहित अखंड शुद्धात्मा को, शुद्ध नय का विषय उसने ख्याल में लिया उसको भी निर्विकल्प कहेंगे, तो दोनों पद्धति से उसको निर्विकल्प कहेंगे। शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम है इतनी बात लेना है, क्योंकि इसको तो अभी हम कर्णानियोग में कर्मों में और जीव के परिणामों में क्या हो रहा है विशुद्धि में उसकी बात चल रही, उसके बुद्धिपूर्वक कौन से विचार चल रहे क्या है उसकी अभी बात नहीं है। यहाँ पर जो कुछ उसके जो विकल्पात्मक हुए वो तो अभी अबुद्धिपूर्वक में भी जो कुछ चला गया, अभी उसका तो लक्ष्य कौन सा है तो शुद्धात्मा का है। हम द्रव्यानियोग की भाषा में इतने आदि हो गए, यूज्ड हो गए हैं, तो हमें बार बार उसी भाषा में उसका उत्तर चाहिए है। इसकी बात हम टोरलमल जी के, पंडित टोरलमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे। पहले कर्णानियोग की भाषा सीखेंगे थोड़ी थोड़ी, उन्हीं के ये तो उन्हीं की बात है। पंडित टोरलमल जी ने पहले सारे सम्यक ज्ञान चंद्रिका के तीनों ही ग्रंथ लिखे जो कर्णानियोग के महान ग्रंथ है, और बाद में मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, वो भी हमारा कम नसीब था कि अधूरा रह गया। यानी कर्णानियोग का उनको पता नहीं था कि आत्मा में लीन होना चाहिए, कुछ बातें इतना विकल्प नहीं करना चाहिए, ये हमारी कल्पना की उपज है कि हम इसको विकल्प ठहरा कर उड़ा देते हैं। ये भगवान की वाणी का अवयनय हो रहा है, कर्णानियोग नहीं समझता कोई बात नहीं, अपने उसमें रुचि नहीं कोई बात नहीं है, परंतु अगर इसको हम निठल्ला समझकर इस छोड़ देते हैं और लोगों को भी उपदेश देंगे इसका कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुम भेद ज्ञान करो, किससे भेद ज्ञान करो, ख्याल में ये तो वितरागता का कारण है सभी अनुयोग। ये तो सम्य ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पढ़ने लायक है, बार बार पढ़ने लायक है। हमारे सभी जो मन में प्रश्न उठते हैं उन सभी प्रश्नों को उठा उठा कर पंडित टोरलमल जी ने स्वयं उसके उत्तर दिए। यह हमने एक बार दो बार ली थी पीठिका, तो जीव कांड में और कर्म कांड के संबंध में भी। अभी यहाँ हम बड़े हाँ अभी क्या करें एक बार यहाँ शिविर हुआ था, हाँ जीव कांड का हुआ था या प्रशिक्षण में, मैं कुछ क्लासेस ली थी पंचलब्धि, अच्छा वो जीव कांड के पहला था। किसी महिला ने मुझे आकर पूछा, आपने स्वामी जी को कभी सुना है? हम तो परम सौभाग्यशाली थे, उनके द्वारा ही हमने सुना है और जो कुछ पाया है उन्हीं के द्वारा पाया है, पूरा द्रव्यानुयोग का मर्म उन्हीं के द्वारा, ये उन्हीं के हमारे उपकार, अनंत उपकार है कि उन्हीं के द्वारा हमने सब कुछ पा लिया। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता आपने सुना है स्वामी जी को मैंने क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है, हमने तो जरूर सुना है, उन्हीं से सुना है, उन्हीं से तो हमें मार्ग मिला है, तो नहीं नहीं लगता नहीं है, नहीं तो आप ऐसा साहस ढाढ़स नहीं करते कर्णानियोग सिखाने का क्योंकि उन्हें ने क्या समयसार और रुद्र, उनको ये पता नहीं था कि स्वामी जी ने स्वयं धवला के 8 भागों के ऊपर प्रवचन किए थे उस जमाने में जब टेपिंग नहीं हो रही थी, और जब हमने ये बात कही थी वहाँ
सोनगढ़ की अनेक ब्रह्मचारी महिलाएं हमारे सामने मौजूद थी, उन्होंने बताया था, उन्हीं ने बताया कि 8 भागों पर हुआ था, हमने स्वयं सुना है, उन्होंने कहा था। ये पता नहीं ना, तो हम अपने मन राजवार्तिक का देते हैं, जयधवला का देते हैं, कितने ही ग्रंथों का आगम, ये लवण, ये भूगोल की जो बातें आती है ना, गहरी गहरी लवण समुद्र के पास, ये नियमसार में आई बात, लवण समुद्र के पाताल की बात वहाँ की, कितने ही ग्रंथ आते हैं हमारे, तो हर पुस्तक में उनके कर्णान योग के हमने वो अलग से नोट करके लिखे, उनका अभ्यास था गजब का। तो वो कहते कि नहीं, आप क्यों कर्णान योग बोलते, उन्होंने कभी नहीं सिखाया, आपको क्या अधिकार है। हमने बोला कि आप मानते हैं वे भविष्य के तीर्थंकर है, हाँ हम जरूर मानते हैं, तो उनकी जब दिव्य ध्वनि खिरेगी तो कौन से अनुयोग का उपदेश देंगे। तो हम भक्त ही ना, ये महापुरुषों के भक्त ही, उन पर कुछ ना कुछ ऐसे अपनी मति कल्पना से दोष लगाते रहते, ऐसी बात होती रहती है। उनका तो बहुत गहरा अभ्यास था ये योग के, पहले मैं हमेशा शिविरों में पूछा करती थी योग क्यों होता है, उसके निमित्त क्या, कोई नहीं बता सकते थे, अनेक जगह तो अनेक विद्वान भी होते थे, कोई बता नहीं सकते थे। गुरुदेव के प्रवचन प्रसाद जो 85 के लेक्चर है उसमें लिख दिया उन्होंने, शरीर नाम कर्म के उदय से वहाँ योग होता है, ये इतने सहज रूप से बता देते थे, और हमें तो सोचना पड़ता, अरे क्या होगा, कौन सा होगा, क्या हुआ, ये ऐसा है। यानी इसका पक्षपाती कोई होगा और इसका निषेध करता होगा तो ये योग्य बात नहीं है। सर्वज्ञ का और अपने सर्वज्ञ स्वभाव का भी निषेध होता है, अपने उसमें बुद्धि चलती है नहीं चलती है वो बात अलग है, और बुद्धि उसमें डालेंगे तो चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। ज्ञान तो ये तो अपने पास तो है, केवल ज्ञान यहाँ से उत्पन्न होने वाला है, ये तो श्रुति ज्ञानियों ने अपने लिए लिखी हुई बातें हैं, ये क्यों नहीं समझेंगे हम, जरूर समझेंगे। देखो अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर ये इसके जो विशेष, जो अदब प्रवृत्तकरण की जो विशेषता है ना, उसको थोड़ा हम छोड़ के आगे देखेंगे, क्योंकि परिणामों के ऊपर और नीचे कैसे समानता होती है वही बात है। अब अपूर्वकरण में क्या आगे बातें होती है वो भी हम देखेंगे यहाँ। हाँ देखो यहाँ पर आते हैं, 53 की गाथा की टीका पढ़ेंगे हम। यानी इसमें विशेषताएं है नहीं, ऐसी बात नहीं है, और हमारे घर में स्वाध्याय चलता है, एक एक लाइन का एक एक शब्द का बहुत विस्तार से यहाँ अर्थ भी किया है, परंतु अभी हम इसको थोड़ा गौण करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोटी मोटी बातें समझ में आएगी तो फिर बाद में उसको विस्तार से समझ सकते हैं हम। देखो 53 की टीका, अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर, अभी अपूर्वकरण की बात हो रही है, अधः प्रवृत्तकरण में 4 बातें हुई थी, हमने वो देखी क्या क्या बातें होती है, यह बोर्ड पर देखिए। अब अपूर्वकरण के प्रथम समय से लेकर जब तक सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय का पूर्ण काल, अर्थात जिस काल में गुण संक्रमण द्वारा मिथ्यात्व को सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय रूप परिणमाते हैं, उस काल के अंत समय तक गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन, ये 4 आवश्यक होते हैं, इसका अर्थ हम समझेंगे। अधः प्रवृत्तकरण में जो 4 बातें अभी हमने देखी, वे 4 बातें तो चालू ही रहती हैं, वो तो चल ही रही है, उसके साथ साथ और 4 आवश्यक यानी अवश्य होने वाली बातें यहाँ होती शुरू हो जाती है। यहाँ क्या शुरू हो जाता है, गुणश्रेणी की रचना यहाँ शुरू हो जाएगी, जहाँ जहाँ अपूर्वकरण होता है, क्योंकि करण परिणाम बहुत बार अनेक जगह होते हैं, वहाँ गुण संक्रमण भी होता है, परंतु यहाँ पर नहीं हो रहा है। प्रथमोपशम सम्यक्त के पूर्व होने वाले अपूर्वकरण में अभी यहाँ पर गुण संक्रमण नहीं होगा, बाद में होगा जब उपशम सम्यक्त की शुरुआत होगी, किसका होगा किस में होगा वो उसकी चर्चा करेंगे, परंतु सामान्य रूप से जहाँ जहाँ अपूर्वकरण होता है वहाँ गुणश्रेणी भी होती है, गुण संक्रमण भी होता है, स्थिति कांडक घात भी होते रहते हैं और अनुभाग कांडक घात भी होते हैं। कौन सी 4 बातें होती है देखो, आपके पास ये चार्ट होगा ना, 13 का चार्ट निकालना,
कि अधकरणवत चार बातें तो होती रहती है और इन एडिशन इसके साथ साथ अन्य चार आवश्यक और होते हैं, और होते हैं पहले वाले चार तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ ये भी बातें प्रारंभ होती है। एक है गुणश्रेणी, आप बस बोलना मेरी बात, गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। इसमें से हमने स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात की थोड़ी थोड़ी देखी थी पहले। हाँ, अभी हमारे लिए नए शब्द कौन से हैं? गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। गुण का अर्थ होता है गुणित प्रमाण में, श्रेणी यानी पंक्ति रूप रचना। अभी ये गुणित प्रमाण में पंक्ति रूप रचना होती है ना, क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चार बातें यहाँ चालू हो जाती है उसका एक एक का हम यहाँ स्वरूप देखने जा रहे हैं। देखो अभी हम देखेंगे, यहाँ चौपन की टीका पढ़ेंगे, ये सबको हम फिगर्स या बोर्ड पर भी देखेंगे और उसकी चर्चा भी करेंगे। चौपन की टीका, स्थिति बंधापसरण। तो स्थिति बंधापसरण का अर्थ याद है क्या? भूल गए? हाँ नीता बेन, स्थिति बंध का अपसरण यानी क्या? स्थिति बंध का घटना। तो स्थिति बंधापसरण तो अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर गुण संक्रमण पूर्ण होने के काल तक होता है। अब ये गुण संक्रमण यहाँ होता नहीं कहते और यहाँ लिखते हैं गुण संक्रमण पूर्ण होने के काल तक होता है। देखो गुण संक्रमण का पहले ले लेते हैं, जब औपशमिक सम्यक्त्व का पहला समय यानी प्रथम समय होता है, प्रथम औपशम सम्यक्त्व का, उस समय मिथ्यात्व के जो परमाणु है वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप परिणमते हैं। पहले समय में जितने परिणमित होते हैं संक्रमित होते हैं, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा संक्रमित होते हैं, तीसरे समय में उससे भी असंख्यात गुणा, चौथे समय में उससे भी असंख्यात गुणा, ऐसे एक अंतर्मूर्त तक ये गुणित प्रमाण में संक्रमण होता है, उसको कहेंगे गुण संक्रमण। प्रथमोपशम काल के शुरुआत के एक अंतर्मुहूर्त तक ऐसा गुण संक्रमण होता है। मिथ्यात्व में से अन्य दो प्रकृतियां तैयार होती है, कैसे? संक्रमण द्वारा, अनुभाग घटकर। तो ये जो कार्य हुआ उसको गुण संक्रमण कहेंगे। उसका अंतिम समय तक क्या होगा? यहाँ से लेकर ये स्थिति बंधापसरण, तो ये कौन सा स्थिति बंधापसरण, कौन से प्रकृतियों का? स्थितिबंध तो सबका घटता है, मिथ्यात्व का स्थितिबंध कब तक होगा? करण लब्धि के अंत तक, बाद में उसका बंध तो नहीं होगा, परंतु अन्य ज्ञानावरण आदि कर्मों का तो बंद चल रहा है, उसमें भी स्थिति बंधापसरण चल रहा है। तो उसका स्थिति बंधापसरण कहाँ तक होगा? तो ये बता रहे प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त होकर गुण संक्रमण के अंत तक, उस अंतर्मूर्त तक पहुँचेगा, तब तक ये स्थिति बंधापसरण तो चलता रहेगा। एक बात ख्याल में आई ना, स्थिति बंध का जो घटना ये चल रहा है कहाँ तक होता है वो बात बताए, क्योंकि वहाँ तक ये तो विशुद्धि तो क्रम से बढ़ती ही चल रही है। गुण संक्रमण होने के काल तक विशुद्धि हर समय बढ़ रही है, बाद में विशुद्धि स्टेडी होगी या हीन अधिक होगी, क्योंकि बाद में वो तो उपशम समय तो प्राप्त करके कुछ काल बीत गया है उसका, उसके अंतर्मूर्त काल जो है उसमें से छोटे अंतर्मूर्त तक गुण संक्रमण होता रहता है, और तब तक विशुद्धि हर समय बढ़ती है, इसलिए स्थिति बंधापसरण चल रहा है। इतनी बात यहाँ ले लो। देखो आपने कहा कि गुण संक्रमण प्रथमोपशम सम्यक के काल में नहीं होता है, तो प्रथमोपशम होने के पूर्व का अपूर्व करण में नहीं होता, अनिवृत्ति करण में भी नहीं होता, तो कहाँ होता है? तो उपशम सम्यक तो प्राप्त होने के पहले समय से लेकर मिथ्यात्व के परमाणु गुण संक्रमण के द्वारा सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप होते हैं, उसको वहाँ गुण संक्रमण कहा है। अन्य किसी प्रकृति में यहाँ गुण संक्रमण नहीं हो रहा, तभी तो दो प्रकृतियाँ तैयार होती है। वहाँ संक्रमण होना यानी उसका अनुभाग घटकर अन्य दो प्रकृति तैयार होना, उसकी वो सजा इसलिए लिया है कि जहाँ जहाँ अपूर्वकरण होता है वहाँ वहाँ गुण संक्रमण होता है।
जब अनंतानुबंधी के विसंयोजन में अपूर्वकरण होगा तब अनंतानुबंधी के परमाणु गुण संक्रमण के द्वारा अन्य कषाय रूप हो जाएंगे। जब श्रेणी में गुण संक्रमण होगा तो वहाँ जो नष्ट होने वाली प्रकृतियाँ हैं वो गुण संक्रमण द्वारा अन्य रूप हो जाएगी। ये अपूर्वकरण नाम के करण की विशेषता है, इसलिए यहाँ उसका वर्णन है। परंतु उपशम सम्यक्त्व के पूर्व होने वाले अपूर्वकरण में इस पोजीशन पर अभी गुण संक्रमण नहीं है, उपशम सम्यक्त्व होने पर होता है। अभी दर्शन मोहिनी की प्रकृति मिथ्यात्व है, एक ही प्रकृति थी, उसमें से अनुभाग अनंत गुना घटकर सम्यक मिथ्यात्व हुई, उससे भी अनंत गुना घटकर जो देशघाती रूप सम्यक प्रकृति हुई। उदय तो तीनों का नहीं है, अभी तो तीन प्रकृतियां हो रही है उपशम के काल में। संक्रमण खाली अनुभाग में नहीं है, स्थिति में भी। अभी तो अनुभाग में चल रहा है, स्थिति तो जितनी है उतनी है, यहाँ नई स्थिति बन नहीं रही है। और बाकी जो स्थिति अभी जब हम उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप देखेंगे ना, कौन से कर्म कहाँ पर है क्या कहे, तो आप अभी तो कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। अभी तो यहाँ क्या हो रहा है अपूर्वकरण में उतना ही अपना विषय है, आगे की बात मैं समझाऊंगी तो भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली। यथा समय उसकी जब चर्चा करेंगे तो बिल्कुल आपको उसको आंखों के सामने उसका पिक्चर तैयार हो जाएगा, उसको हम देखेंगे यहाँ। अभी तो समय होने को आया है, बस आधा ही मिनट है, अब यहीं रुकेंगे हम, उसकी और चर्चा करेंगे बाद में। बोलो 2400 भगवान।